दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो में आपके लिए स्टॉक मार्केट से संबंधित कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट की बारीकियों के बारे में हम आपको बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं स्टॉक मार्केट के लीडिंग इंडिकेटर्स के बारे में। पहले हमने हेजिंग बताई, कैसे आप हेजिंग करते हैं, कैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं, स्टॉक मार्केट एक वॉलिटिलिटी वाला, वह बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी, वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है सब कुछ काम कुम करने के, फिर उसमें आप जाए, बारीकियां समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज जो इंडिकेटर हम बता रहे हैं वो भी एक लीडिंग इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर जिसका नाम है स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर दोस्तों, जो कि 10 दिन के पीरियड पर चलता है, 10 दिन के पीरियड पर चलता है। इसके अंदर भी दोस्तों हम 0 से 100 के बीच में चलते हैं, 0 to 100, और 80 और यहां पे 20, इसमें जो बात चलती है दोस्तों उसमें भी हम यही काम करते हैं। और इस पे हम क्या करेंगे, ये तो हमारी होगी इंडिकेटर 10 डे का, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर होगा ये इंडिकेटर स्टोकेस्टिक। लेकिन इस पर हम मूविंग एवरेज डाल देते हैं फिर दोस्तों, थ्री डे मूविंग एवरेज एवरेज। तो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर 0 to 100 चलता है, 80-20 की इसकी लिमिट सेट करते हैं, इस पे हम इंडिकेटर अपने आप आ जाएगा, 10 डे का पीरियड होता है इस पे, और उसके साथ इसके ऊपर हम 3 डे की मूविंग एवरेज डाल देते हैं दोस्तों। 3 डे की मूविंग एवरेज जो होती है वो हमें फिर बाइंग और सेलिंग का जो सिग्नल है, इससे जो मिलता है सिग्नल, उससे हमें आसानी हो जाती है कि हम इस पर क्या करें दोस्तों। जहां पर भी क्रॉसओवर होगा 3 डे मूविंग एवरेज पे, वहां पर हम बाइंग सेलिंग शो करेंगे और बाइंग सेलिंग वहां पर करके चलेंगे। जैसे कि यहां पर है, ये नीचे जा रहा है, तो यहां पर हम सेलिंग के ऑप्शन देखेंगे, यहां पर हम बाइंग के ऑप्शन देखेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये हमारा ओवरबॉट जोन रहेगा, ओवरबॉट जोन, ये हमारा ओवर सेलिंग जोन, जो हमने RSI बताया था, यहां पर जो एरिया होगा वो ओवर सोल्ड होगा, यहां पर जो एरिया होगा ओवर बोट, ये हमारा ओवर बोट जोन होगा, ये हमारा ओवर सोल्ड जोन होगा। तो यहां पर हम इसके मूविंग एवरेज साथ साथ चल के इसमें बाइंग और सेलिंग देखेंगे दोस्तों। हर एक क्रॉसओवर पर, जहां पर भी क्रॉसओवर होगा ऊपर नीचे, वहां पर हम बाइंग सेलिंग देखेंगे, ताकि हम एक बेहतरीन फैसला करके एक ये क्या कह सकते डिसीजन ले सके कि हमें यहाँ पे बाइंग करनी है और यहाँ पे हमें सेलिंग के लिए जाना है। फिर सिर्फ इतना कि वॉलेटिलिटी चेक करें, कई बार शेयर से हमारी बाइंग शो करता है, शेयर शो बाइंग, बट इंडिकेटर रिजेक्ट, सो वी लुक एंड वॉच, शेयर शो बाइंग बट इंडिकेट रिजेक्ट, सो वी लुक एंड वॉच। जब दोनों ही चीज, बोथ शेयर प्लस इंडिकेटर शो द सेम, वी टेक ए ट्रेड। जब दोनों ही शो करेंगे तब ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि इंडिकेटर कमजोर है और शेयर बाइंग कर रहा है वहां पे, तो फिर हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर बाइंग कर रहा है, लेकिन हमें शेयर बाइंग कर रहा है यहां पे और इंडिकेटर रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि इंडिकेटर डिक्लाइन दिखा रहा है वहां पे, तो हम वहां पे बाई नहीं करेंगे। जब शेयर में अंदर सेलिंग बनेगी, इंडिकेटर कमजोर हो रहा है, तो वहां पर हम सेल करके चलेंगे या पुट ऑप्शंस लेना पसंद करेंगे। इसी प्रकार जब शेयर बाइंग करेगा, इंडिकेटर भी बाइंग करेगा, तो दोनों को हम चलेंगे, तो वहां पर हम लेना पसंद करेंगे। दोनों अगर वहां पे बाई बाई, अगर ये बाई कर रहा है और ये सेल कर रहा है, तो हम नहीं करेंगे ट्रेड, या फिर ये सेल कर रहा है, ये सेल कर रहा है, तो हम वहां पे सेल करेंगे। ठीक है,
बाई बाई तो हम बाई करेंगे, अगर ये बाइंग करा ये सेलिंग करा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, और ये दोनों सेलिंग करें तो हम लेंगे ट्रेड। यानी कि इंडिकेटर्स का रोल काफी अहम होता है शेयर बाजार में काम करने के लिए। इंडिकेटर्स ही शो करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों आज हमने जो आपको बताया कि स्टोकेस्टिक है, ओवरबॉट जोन है, 100 और 0 के बीच में खेलते हैं, 20 और 80 की लिमिट होती है, यहाँ पर हम इसमें 10 डे का टाइम होता है स्टोकेस्टिक का, और 3 डे की मूविंग एवरेज पे लाई करते हैं ताकि हमें बाइंग और सेलिंग के ऑप्शन ढूंढने में आसानी रहे, और वहां पर हम ओवरबॉट जोन होता है, यहाँ पे नीचे और शॉर्ट जोन बनाते हैं हम पे, और कई बार शेयर्स बाई कर शो करता है, इंडिकेटर्स हमें रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इंडिकेटर्स बाइंग नहीं कर रहा, तो वो करना चाहिए, दोनों बाइंग बता रहे हैं तो हमें लेना चाहिए। अगर दोनों एक बाइंग कर रहा है एक सेलिंग कर रहा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, और दोनों सेलिंग कर रहे हैं तो वहां पर हम लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए, और साथ ही साथ हमें ये अवश्य कमेंट करें कि आपको इससे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फायदा हो रहा है तो हम और भी आगे आपको अपडेट करते रहते हैं, तो उनको आपको और भी अच्छा आपको बताएंगे। और दूसरा हमें इस पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं जहां पे आप स्टॉक मार्केट की बारीकियां सिखाने का आपको प्रयास करेंगे ताकि आप इसमें फायदा करके और साइड बाय साइड एक कुछ ना कुछ छोटा मोटा सेटअप तैयार कर सकें जहां पर आप बेसिक चीज सीखकर कुछ ना कुछ कमा के निकल सके, साइड बाय साइड कुछ ना कुछ कमा सके। थैंक यू।